कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों नमस्कार, भूपेश आनंद एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ और आज मैं एक इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ दोस्तों एक ऐसे चैप्टर की जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। बेटे कैपिटल बजटिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में। आपको मालूम है कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले प्रोफेशनल लेवल में हुआ करता था, मतलब पहले सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 में एक पेपर का नाम था फाइनेंशियल कॉमा ट्रेजररी एंड फॉरेक्स मैनेजर। बेटे आज उन्होंने उसी पेपर को प्रोफेशनल से हटाकर एग्जीक्यूटिव में डाल दिया और वो भी 60 मार्क्स का कर दिया है, लेकिन सिलेबस में वही सेम कॉन्सेप्ट रखे हैं, दो तीन चैप्टर्स डिलीट कर दिए, बाकी 80% सिलेबस सेम आ गया। तो बेटे कैपिटल बजटिंग में भी उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, जैसे फाइनेंशियल डिसीजन का आपने मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा, वर्किंग कैपिटल का देखा होगा, बेटे कॉपी पेस्ट किया सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस से, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया सीएस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ग्रुप में, इवन क्वेश्चंस भी सेम ही रख दिए। तो बेटे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, नो डाउट आप जब लेक्चर सुन रहे होंगे तो कई बार मैं बीच बीच में बोल दूंगा सीएस प्रोफेशनल, तो आप घबरा मत जाना कि प्रोफेशनल क्यों बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कई बार क्वेश्चंस दिखाऊं उसके पेज नंबर कुछ और हो, बेटे वो पुरानी बुक के पेज नंबर थे, आपको नई बुक मिल चुकी है, क्वेश्चन नंबर सेम होगा, पेज नंबर अलग हो सकता है, आप उसकी टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम होने वाले हैं, जो पहले थे वो भी वही कॉन्सेप्ट्स अभी हैं। बेटे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू मैं आज अपने CFA USA को कंप्लीट कर रहा हूं, मैं CPA, मैं ACC लंदन, इतनी सारी चीजें कर रहा हूं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस में। तो ये मत समझना कि CS प्रोफेशनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट कुछ और होंगे और CS एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट कुछ और होंगे। बेटे पूरा कोर्स कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आप उन बातों से घबराना मत, आप कंसेप्ट पे ध्यान देना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं और उसका लॉजिक क्या है और उसको कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ से। तो आप प्लीज रजिस्टर ओपन कर लें। मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बेटे जो हमारा मन है उसी से हम जीत सकते हैं। तो CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में नो डाउट सब्जेक्ट 6 है। बेटे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग है, उन्होंने मिला दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक अलग है, उन्होंने मिला दिया। तो आप उस चीज में मत रहना कि 6 सब्जेक्ट्स हैं कैसे करेंगे, डिफिकल्ट है, नहीं बेटे ये सारा खेल मन का है। अगर आप मन से जीते हो तो जीते हो और बेटे अगर मन से हारे हो तो हारे हो। आपने शायद मोहम्मद गोरी की बात सुनी होगी, बेटे मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से पता नहीं 14-15 बार हारा, लेकिन बेटा उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर लड़ाई की और इतिहास गवाह इस बात का कि जिसने जिस चीज को पाने की मेहनत की है उसको वो चीज मिल भी गई। और बेटे इतिहास में लिखा गया कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से जीत हासिल कर ली इतनी बार हारने के बाद। तो आपको मन छोटा नहीं करना कि 6 पेपर है, 1 सब्जेक्ट में इतनी सारी मेहनत है, इतने सारे चैप्टर है, उस चैप्टर में कितने सारे कंसेप्ट है, कोई मुश्किल की बात नहीं है जब किया इरादा पक्का। तो ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 न्यू सिलेबस में हमें मालूम है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, और उसकी 5 कैटेगरीज आएंगी मुझे ये भी पता है, एक मल्टीपल चॉइस, दूसरी ट्रू फॉल्स, तीसरी फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और केस स्टडी, मुझे सब मालूम है। आपको अभी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अलग अलग लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आज कुछ ये बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जो CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का न्यू सिलेबस का स्टडी मटीरियल निकाला है, बेटे उसमें उन्होंने लेक्चर लेसन नंबर 2 कैपिटल बजटिंग ही लिखा है बेटे, और एक लेक्चर एक लेसन है प्रोजेक्ट फाइनेंस का, जो मैंने फाइनेंशियल डिसीजन में भी बताया था। तो मैं थोड़ा सा ये खुलासा करने वाला हूं आप सभी के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटीरियल दिया है, नो डाउट उसमें बेटे कैपिटल बजटिंग लेसन नंबर 2 है, ये देखिए लेसन 2 है, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं, इसमें पहला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मैंने क्या किया,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक अलग से मैंने अपनी बुक में चैप्टर बना दिया, उसका नाम रखा चैप्टर 2A टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मुझे लगा कि बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम उससे अलग कर सकते हैं, इन्होंने एक ही स्टडी में सब कुछ मिक्स कर दिया, मैंने उसको रिलेट किया अलग अलग, तो मैंने एक चैप्टर 2A बनाया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन्होंने चैप्टर लेसन नंबर 2 में सब कुछ डाल दिया इंट्रोडक्शन, और उसके बाद बेटे उसके बाद देखिए इतने सारे कंसेप्ट उन्होंने इंक्लूड किए, मैंने इन सभी कंसेप्ट को कंसेप्ट वाइज लिखा बेटे, 44 कंसेप्ट अभी दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे कि किस तरह के कंसेप्ट हैं, चॉइस ऑफ मेथड्स, पॉइंट ऑफ सिमुलेशन, ये सब कुछ हमने कवर किया है, और एक प्रोजेक्ट ये देखिए बेटे कितने सारे कंसेप्ट उन्होंने इंक्लूड किए हैं। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग में लेसन 2 के बाद में अगर आपसे बताऊं तो इंस्टीट्यूट ने, हमारे अपने इंस्टीट्यूट ने प्रोजेक्ट नंबर लेसन नंबर 5 बटे प्रोजेक्ट फाइनेंस का एक चैप्टर दिया है, इसका कुछ पार्ट तो मैंने फाइनेंशियल डिसीजन में इंक्लूड किया है, कुछ पार्ट में कैपिटल बजटिंग में इंक्लूड कर रहा हूँ, और बटे इसका कुछ पार्ट जैसे लीज वर्सेस बाय उसके मैंने अलग से लेक्चर्स फॉर्मुलेट किए। आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट फाइनेंस जो इन्होंने लेसन नंबर 5 प्रिपेयर किया है, इसका कुछ हिस्सा मैंने फाइनेंशियल डिसीजन में डिस्कस किया है, कुछ हिस्सा मैं कैपिटल बजटिंग के शुरू के लेक्चर्स में करूंगा, और कुछ हिस्सा मैं इसको बेटे लीज वर्सेस बाय के में 3 लेक्चर्स अलग से लिए वहां पे इंक्लूड करूंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सिलेबस कैसे होगा, बेटे मैंने हर चीज का ध्यान रखा है। आप प्लीज अगर रजिस्टर खोल चुके हो तो ये लिख लें, एज पर ICSI न्यू स्टडी मटेरियल बेटे लेसन नंबर 2 कैपिटल बजटिंग है जैसा अभी अभी दिखाया, लेसन नंबर 5 प्रोजेक्ट फाइनेंस है जैसा मैंने अभी दिखाया, बट मेरी बुक में जो मैं आपको बुक दूंगा बेटे, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक दूंगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक दूंगा बेटे, उसमें मैंने क्या किया चैप्टर 2A प्रिपेयर कर दिया। चैप्टर 2A में मैंने चैप्टर 2A के अंदर आप देखिए मैंने क्या किया, कैपिटल बजटिंग का टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलग से प्रिपेयर किया, और उसके साथ साथ मैंने कैपिटल बजटिंग को अलग लिखा। तो आप उस चक्कर में मत रहना कि कह रहे सब कुछ कवर किया दोस्त, सब कुछ कवर किया है, कैपिटल बजटिंग मैंने अलग से लिया है, और अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसके कंसेप्ट कितने मेंशन किए, जो भी अभी आपने देखे, मैंने हर चीज को कंसेप्ट में डिवाइड किया। आप देखिए जी 51 कंसेप्ट लिखे हैं इन्फ्लेशन तक, और फिर मैंने थ्योरी के क्वेश्चन लिखे हैं, फिर प्रैक्टिकल लिखे हैं, उनको वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। इतना सब करने के बाद बेटे मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाए, उनके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। हाँ ये बात अलग है कि ये जो कंसेप्ट थ्योरी और मैंने वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताए हैं, ये हो सकता है कि पहले क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में भी थे और सेम कंसेप्ट है, तो कुछ मैंने वीडियो सेम ही यहाँ पर रखे हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना कि कैसे ये प्रोफेशनल के, कोई टेंशन नहीं, आप खाली कंसेप्ट पे ध्यान देना। जैसे अर्जुन से पूछा जाता था अर्जुन तुझे क्या दिखता है, तो अर्जुन कहता था मुझे तो भगवान, मुझे तो गुरुदेव, खाली आंख दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं। तो आपको भी खाली अपना कोर्स कंटेंट दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। मैं आ गया आपको बायोफिकेशन बताने के लिए कि जो चैप्टर 2A है आपने वो बाद में करना है, पहले चैप्टर 2 भी करना है। मैं रिपीट करता हूँ, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल चुके हैं, आपने चैप्टर 2B जो कैपिटल बजटिंग है जिसमें मैंने अभी कंसेप्ट बताने हैं, जैसे उसमें मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, 51 कंसेप्ट है अभी बताया इन्फ्लेशन तक, नंबर ऑफ थ्योरी क्वेश्चन बेटे 29 है बेटे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 68 है बेटे। क्वेश्चंस करोगे तो कंसेप्ट समझ आएंगे, अंदर की बातें तभी समझ आएंगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे। नंबर ऑफ कंसेप्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर्स बेटे 14 वीडियो लेक्चर्स, 14 वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर मैं इंट्रोडक्टरी भी मिला दूं तो 15 होंगे, और मैंने 4-5 लेक्चर ऑब्जेक्टिव टाइप के रिकॉर्ड किए, तो टोटल 20 लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं। इसमें मैंने प्रोजेक्ट फाइनेंस भी कुछ बताया, कैपिटल बजटिंग भी बताया, बड़ी सारी लेटेस्ट बातें बताई जो आपके लिए रेलेवेंट हैं, जो पहले प्रोफेशनल में थी अब उन्होंने एग्जीक्यूटिव न्यूज सिलेबस में डाल दिया। तो आपको अगर लिखना है तो थोड़ा सा लिख सकते हैं बेटे, पहला आपने 2B चैप्टर 2B करना है, 2A टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले नहीं करना, पहले चैप्टर 2B करना है, उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने कुछ बताया है, लेकिन
टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है उसको बाद में करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन कैपिटल बिल्डिंग 51 है, नंबर ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस 29 है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 68 है, नंबर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 14 है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बेटे मैंने 200 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं 200 अप्रोक्सीमेटली, और वो भी कंसेप्ट वाइज कैटेगरी वाइज। इसी तरह से आपको इसका मतलब 14 और 5 19 बेटे 19 लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, और छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, मुश्किल है ही नहीं। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लेक्चर्स करेंगे, चैप्टर 2A। बेटे ये चैप्टर 2A है, तो बेटे ये चैप्टर 2B था जो मैंने कहा जी पहले चैप्टर 2B करना है कैपिटल बजटिंग का, और फिर चैप्टर 2A करना है। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बातें बताई, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा बेटे व्हाट इज एन्यूटी, व्हाट इज एन्यूटी ड्यू, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सारी बातें पहले प्रोफेशनल में भी थी, अभी भी हैं। कई जगह मैंने प्रोफेशनल वर्ड यूज किया भी होगा, तो आप उसे घबराना मत, आप लॉजिकली कंसेप्ट में देखना। बेटे जब सिलेबस ही सेम है तो आप ये बताओ लॉजिक कंसेप्ट भी तो सेम ही होंगे। इन्हीं बातों के साथ मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि आपको मैंने ये देखिए लास्ट में लिख भी दिया CS प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 ओल्ड सिलेबस फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट 100 मार्क्स पहले होता था, अब उन्होंने कर दिया है सेम कॉन्सेप्ट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन सेम कॉन्सेप्ट्स इन CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 न्यू सिलेबस, इवन वर्किंग कैपिटल के सेम कॉन्सेप्ट्स, इवन फाइनेंशियल डिसीजन के सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। शायद मैंने उन लेक्चर्स में नहीं बताया कि प्रोफेशनल बेटा सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ईमानदारी से चैप्टर्स को करो, मेरे लेक्चर्स को सुनो, रजिस्टर में लिखो, और जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं उसको भी अटेम्प्ट करो। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।